हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक इन सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 30,000। दोस्तों, अगर आपका बजट 30,000 या फिर उससे कम है तो आपको ये टोटल 5 लैपटॉप्स मैं रिकमेंड करता हूँ। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट लैपटॉप से, जो कि है HP 15। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको कोर i3 7th जनरेशन का प्रोसेसर इसमें आपको मिलेगा, एंड सेकेंड इसमें आप टू 2.38 GHz की क्लॉक स्पीड सपोर्टेड है। एंड थर्ड, इसमें 4GB DDR4 आपको रैम इसमें आपको इनबिल्ट मिलेगा। तो आपको डेली यूज़ के लिए और ऑफिस यूज़ के लिए आपको लैपटॉप काफ़ी अच्छा पड़ेगा, काफ़ी स्मूथ चलेगा आपको लैपटॉप, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देगा। एंड अभी हम इसके डिज़ाइन पर जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका 15.6 इंच का इसमें स्क्रीन है, प्लस इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन 768 पिक्सल का है, तो काफ़ी काफ़ी क्लीन डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा इसका रेजोल्यूशन है। एंड इसका वेट 1.77 kg का है, तो आपको इसको इधर कैरी करने के लिए आपको काफ़ी इजी पड़ेगा, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एंड स्टोरेज वाइज, इसमें 1 TB आपको हार्ड डिस्क इनबिल्ट मिलेगी, तो आपको स्टोरेज भी इसमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। प्लस इसमें आपको HP का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें अप टू 50% चार्ज 45 मिनट्स में आपकी लैपटॉप चार्ज हो जाता है, एंड लगभग 1 घंटा 20 या 25 मिनट में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। प्लस इसमें आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है फुल चार्ज पे। थर्ड, इसमें आपको विंडोज 10 आपको इनबिल्ट मिलेगा, एंड की फीचर्स आपको लैपटॉप बाय करने के लिए, इसमें आपको स्टोरेज काफ़ी अच्छी मिल रही है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, एंड इसमें ग्रेट बैटरी बैकअप एंड बजट फ्रेंडली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको ये 20,000 में आपको लैपटॉप पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है। इसके कुछ इमेजेस और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन में आपको ब्लूटूथ, वाईफाई एंड HD कार्ड रीडर भी आपको अवेलेबल है, और DVD राइटर भी आपको इसमें अवेलेबल है। बाकी सब फीचर्स तो हमने आपको बता दिए थे। प्लस इसमें बिल्ट इन वेबकैम है आपको। तो चलिए, अभी हम हमारे सेकेंड लैपटॉप में मूव करते हैं, जो कि है डेल वॉस्ट्रो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको कोर i3 6th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा। हालांकि ये 6th जनरेशन इसमें प्रोसेसर है, लेकिन आपको तो भी डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा आपको स्मूथ लैपटॉप पड़ेगा, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। प्लस इसमें आप टू 2.38 GHz क्लॉक स्पीड अवेलेबल है, एंड 4GB DDR3 आपका DDR3 का रैम इसमें आपको अवेलेबल है। इसकी स्क्रीन साइज 15.6 इंच की है, और 768 का इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन है। प्लस इसमें आपको लैपटॉप का वेट है 2.18 kg, ज़्यादा फ़र्क नहीं है HP और डेल के लैपटॉप के वेट के हिसाब से। आपको ये लैपटॉप भी काफ़ी भी कैरी करने काफ़ी इजी पड़ेगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं लगेगा। प्लस हार्ड डिस्क स्टोरेज वाइज, इसमें 1 TB आपको हार्ड डिस्क मिलेगी, एंड इसमें विंडोज 10 प्री इंस्टॉल है। प्लस आपको बैटरी बैकअप अप टू 4 to 5 आवर्स का मिलेगा इसमें। की फीचर्स आपको लैपटॉप बाय करने के लिए, एक्सीलेंट बैटरी बैकअप। डेल की बैटरी वैसे भी जल्दी ख़राब नहीं होती है, आपको उसकी डेल की बैटरी की सर्विस काफ़ी अच्छी मिलेगी। प्लस इसमें आपको पावरफुल प्रोसेसर है, एंड इसमें स्टोरेज आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, एंड HD वेबकैम आपको इसमें इनबिल्ट मिलेगा। ये कुछ और फीचर्स और इमेजेस देखते हैं। 15.6 इंच की आपको इसमें HD स्क्रीन मिलेगी, एंड विंडोज 10 इसमें तो पहले से प्री इंस्टॉल रहेगा। प्लस इसमें आपको MS ऑफिस प्री इंस्टॉल मिलेगा, एंड आपको ब्रांड की तरफ से 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी मिलेगी आपको डेल की तरफ से। अभी हम आते हैं हमारे थर्ड लैपटॉप की तरफ, जो कि है लिनोवो IDEAPAD 330S। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको AMD डुअल कोर A9 का प्रोसेसर मिलेगा, और 3.18 GHz की आपको क्लॉक स्पीड अप टू मिलेगी, एंड 4GB DDR4 RAM आपके इनबिल्ट है। तो आप डेली यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के साथ, अगर आपका कभी कभी मन करता है कुछ गेमिंग खेलने के लिए, तो ये लैपटॉप आपको काफ़ी अच्छा पड़ेगा। इसका जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोसेसर इसमें काफ़ी अच्छा है, AMD का है, जो कि इंटेल के जो रहते हैं ग्राफिक्स, उससे तो AMD का ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस इसमें 3.19 GHz का आपको अपनी क्लॉक स्पीड है। प्लस 15.6 इंच की आपको इसमें स्क्रीन अवेलेबल है, 2.2 kg का वेट है लैपटॉप का, एंड स्टोरेज वाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, 500 GB इसमें स्टोरेज अवेलेबल है। स्टोरेज वाइज तो डेल और HP से इसमें स्टोरेज कम है आपको पड़ेगी। प्लस इसमें आपको बैटरी बैकअप अप टू 4 आवर्स का मिलेगा, एंड इसका की फीचर्स बाय करने के लिए अफोर्डेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस का 25,480 आपको काफ़ी अच्छा लैपटॉप मिल रहा है। हालांकि इसमें स्टोरेज कम है,
एज कम्पेयर टू एचपी और डेल से, लेकिन उन लोगों का प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा था। अगर आपको थोड़ा बहुत गेमिंग करने के लिए मन करता है तो लैपटॉप को काफ़ी अच्छा पड़ेगा। प्लस इसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है एंड ग्रेट बैटरी बैकअप। ये अभी हम हमारे मूव करते हैं हमारे फोर्थ लैपटॉप पे, जो कि है एसस वीवो बुक। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको कोर i3 7th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा एंड अप टू 2.38 GHz की क्लॉक स्पीड एंड प्लस 4GB DDR4 RAM। तो ये लैपटॉप भी आपको डेली यूज़ के लिए और साथ में ऑफिस यूज़ के लिए काफ़ी आपको अच्छा पड़ेगा। प्लस आपको गेमिंग के लिए भी लैपटॉप आप यूज़ कर सकते हो। 15.6 इंच का आपको इसमें स्क्रीन अवेलेबल है एंड डिस्प्ले इसका 768 का रेजोल्यूशन है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसमें HD डिस्प्ले पहले से है एंड इसका वेट वाइज काफ़ी 1.5 kg का ही है, तो काफ़ी लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू जो पहले के 3 लैपटॉप थे, लिनोवो एचपी एंड डेल के हिसाब से। तो एंड स्टोरेज वाइज इसमें आपको 1 TB आपको हार्ड डिस्क मिल रही है। प्लस बैटरी बैकअप इसमें खाली आपको थोड़ा बैटरी का ध्यान देना पड़ेगा, खाली 3 to 4 आवर्स का बैटरी बैकअप है। एंड की फीचर्स आपको लैपटॉप बाय करने के लिए आपको डिसेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, इसमें लाइट वेट है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। 29,000 तक आपको लैपटॉप ये पड़ेगा। ऐसे ही हम कुछ और फीचर्स देखते हैं। इसमें 14 इंच की आपको HD डिस्प्ले मिलेगी 768 की रेजोल्यूशन के साथ। प्लस इसमें आपको विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिलेगा, 1 TB हार्ड डिस्क है, 4GB DDR4 RAM है, 7th जनरेशन इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर है। MS Office इसमें प्री इंस्टॉल नहीं है, तो आपको इसको बाद में इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लस आपको 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी मिलती है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें लैपटॉप है, जो कि एसर एस्पायर E21। आप देख सकते हैं इसमें आपको AMD क्वाड A4 का आपको ये मिलेगा प्रोसेसर एंड प्लस 1.8 GHz की आपको क्लॉक स्पीड मिलेगी। 4GB DDR3 RAM है। प्री ऑफिस आप डेली यूज़ अगर आप ये लैपटॉप आप डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन गेमिंग के लिए आपको थोड़ा दिक्कत देगा कि इसमें इसकी जो इसका प्रोसेसर इतना स्ट्रांग नहीं है। डिज़ाइन वाइज 15.6 इंच की स्क्रीन है इसमें एंड डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1366x768 पिक्सल्स प्लस 2.4 kg का इसका वेट है। थोड़ा वेट वाइज भी थोड़ा हैवी है ये। प्लस 1 TB आपको इसमें हार्ड डिस्क स्टोरेज मिलेगी एंड बैटरी बैकअप इसका 5 to 6 आवर्स तक आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। इसका प्राइस जैसे कि आप देख सकते हैं 30,000 तक आपको पड़ेगा लैपटॉप। ये कुछ और फीचर्स इसमें आपको लिनक्स प्री इंस्टॉल रहेगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी आज के लिए खाली इतना ही। ये जो टोटल 5 लैपटॉप से मैंने रिकमेंड कीजिए, अभी आपके ऊपर आप कौन सा लैपटॉप लेते हो। और आज के लिए काफ़ी इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।